हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स 2 का जो यूनिट नंबर 1 है बेटा, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में कि आपको कम से कम कितने क्वेश्चंस पढ़ के जाने हैं ताकि एग्जाम में आप अच्छे से, जैसे एक यूनिट से मानकर चलो 10 से 12 नंबर का सवाल आता है तो आप 10 से 12 नंबर का आप अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है बेटा, चलिए तो हम लोग बात क्या करने वाले हैं बेटा, हम लोग RGPB डिप्लोमा के जो फिजिक्स 2 सब्जेक्ट है बेटा, उसके यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है वेव मोशन, उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले बेटा मैंने यूनिट नंबर 2 का, यूनिट नंबर 4 का और 6 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया है, तो मैं तीनों जो आपके वीडियोस मैंने बनाए थे बेटा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। आप आराम से जाके इन तीनों यूनिट का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आप उनको क्या करना, आराम से चेकआउट कर लेना। ठीक है, चलिए तो देखो इस वाले में ना मैंने थोड़ा बैलेंस बना के रखा है क्योंकि ये वाला चैप्टर बड़ा है ना। अभी अगर इसमें डालना चाहें तो अपन और 5-6 क्वेश्चन डाल सकते हैं, लेकिन वो क्या थोड़ा लेंदी हो जाएगा बेटा। तो मैंने बैलेंस बनाकर, आप देखो कि यहाँ पर 11 क्वेश्चन सेलेक्ट आउट किए हैं, इन 11 से कम आप पढ़कर मत जाना। इस 11 से ज्यादा अगर आपको अच्छा लगे तो आप पढ़ सकते हो, इस 11 से कम आपको पढ़कर नहीं जाना है। ठीक है, चलिए बेसिक चीजें हैं बेटा। जो सबसे पहले कि वेव मोशन क्या होता है इसको आप पढ़ो, उसके बाद देखो चार टाइप के वेव्स होते हैं, ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, स्टेशनरी वेव क्या होता है और प्रोग्रेसिव वेव क्या होता है, इसको आप देख लो। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव, उसके अलावा डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेसिव वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव, सॉरी यहाँ पे होगा प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टेशनरी वेव एंड स्टेशनरी वेव। ठीक है, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है ना। सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या होता है बेटा, बीट का कैसे फॉर्मेशन होता है, बीट्स क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, इको क्या होता है, अल्ट्रासोनिक वेव क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या है बेटा, तो ये इतने सारे क्वेश्चंस आपको कम से कम करके जाना है। और अगर आपके कॉलेज वाले 2-3 क्वेश्चन और बोलते हैं तो आप कर लो, लेकिन मिनिमम इतना है बेटा कि आपको इससे कम पढ़कर नहीं जाना है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा प्रमोशन कर लेते हैं। तो भैया प्रमोशन क्या है, प्रमोशन ये है कि फिजिक्स 1 फिजिक्स 2 का क्लास आपको मिल जाएगा, मैथ्स 1 और मैथ्स 2 का क्लास आपको मिल जाएगा मेरे ऐप पर, मैकेनिक्स का क्लास आपको ऐप पर मिल जाएगा। तो ये सभी का फीस 499 है, तो आप मेरे ऐप को चेकआउट कर सकते हो। जिन बच्चों को दिक्कत हो रहा है मैथ्स और फिजिक्स और मैकेनिक्स में, तो वहां से आप कोर्स परचेस करके पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, चलिए तब तक अपन ने और अपनों का खूब ख्याल रखिए, और ये जितने भी क्वेश्चन है बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और कम से कम इतने क्वेश्चन आपको प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, चलिए तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।